योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो है वो काटो बाटो वाला ही चेहरा है उनका। आशिम भाई जो है वो पूरे मुंबई महाराष्ट्र की एक आवाज़ है और खास करके मुसलमानों की आवाज़ है। सारे पार्टी जितनी महागठबंधन बनाई गई है ये सब एक दूसरे की पार्टी से भगोड़े लोग हैं, भगोड़े। यहाँ के लोग खाली आशिम भाई का विकास देखते हैं। उन्होंने जब से गोइंडी में कदम रखा तब से गोइंडी सोने की चिड़िया हो गई। जितने नेता बीजेपी के खिलाफ कुछ भी उफ करते हैं तो उनको मतलब जेल में डाल दिया जाता है, और असद भाई और अकबर भाई को क्यों नहीं कार्रवाई करते? कहीं ना कहीं मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये उजाड़ देने की पूरी साजिश कर रहे। काटो और बाटो ये होता है कि एक तरफ मुसलमानों के भड़काओ भड़काया जाता है, दूसरी तरफ आके अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये क्या मसला है आपका। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत, महाराष्ट्र में हूं। इस समय जो लोकेशन है हमारी ये घोवंडी का महारा कॉलोनी पास में पड़ता है, यहां पर हूं और यहां पर हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं। महाराष्ट्र की राजनीति धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है। कुछ ही समय बाद यहां पर इलेक्शन होने हैं। महाराष्ट्र की राजनीति खिचड़ी तो आपने देखी, लेकिन यहां की जनता क्या सोचती है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के, और दूसरी बात क्या कुछ मुद्दों पर इस बार वोटिंग होगी, क्या जिस तरीके से पूरी खिचड़ी पकी और यहाँ पर भाजपा गठबंधन का झंडा गड़ा, क्या कुछ भाजपा के बारे में सोचते हैं, क्या कुछ इंडिया गठबंधन के बारे में सोचते हैं। महाविकास आघाड़ी यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है और चुनाव जो लड़ रही है उसको लेकर क्या कुछ है। समाजवादी पार्टी भी मैदान में कूद गई है तो उसको लेकर क्या कुछ है, सभी पर चर्चा करेंगे। शुरुआत आपसे करेंगे, नाम क्या हुआ भाई आपका? मेरा मिराज अंसारी नाम है। मिराज भाई, महाराष्ट्र में राजनीति की एकदम से खिचड़ी पकी हुई है, इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? देखो, महाराष्ट्र में जो आज बीजेपी ने किया है और भाजपा जो पूरे देश में काटो बाटो की राजनीति जो कर रहे, योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो है वह काटो बाटो वाला ही चेहरा है उनका। योगी आदित्यनाथ तो यूपी में है, यहाँ महाराष्ट्र में कैसे योगी इफेक्ट डाल रहे हैं? तो अभी महाराष्ट्र में आए हैं ना योगी जी, अभी आके वही कर रहे काटो बाटो। और महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी नहीं है, महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो आपको बता दूं कि यहाँ पे शिवाजी महाराज और स्वतंत्र सेनानियों की ये धरती है, और ख़ास करके मुंबई जो महानगरी कही जाती है, मुंबई के अंदर आप हर समुदाय के लोग, हर तबके के लोग, हर स्टेट से आए हुए लोग यहाँ पे रहते हैं और अमन अमान से रहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो हो रहा है पिछले कई सालों से, मतलब लॉकडाउन के पहले जिस तरह से बीजेपी ने सरकारों को आपस में तोड़ दिया, 50 खोखे की जो सरकार चल रही थी और अभी तक के लोगों को डराया धमकाया, ईडी के जरिए लोगों को, नेताओं को बैठाया जा रहा था, आज गोंडी विधानसभा के अंदर आप देख सकते हैं कि जनाब अबू आशिम आजमी को हराने के लिए जो यहाँ के विधायक हैं पिछले 15 साल से जीतते आ रहे उनके खिलाफ नवाब मलिक को लड़ाया गया। क्यों लड़ाया जा रहा है? सिर्फ डरा करके, ये 50 खोखे की सरकार जो थी वो डरा करके इधर विधानसभा में उनको भेजा गया है कि आप जा कर के एक सपा का जो विधायक है उनको हराओ। जो कि नवा आशिम भाई जो है वो पूरे मुंबई महाराष्ट्र की एक आवाज़ है और ख़ास करके मुसलमानों की आवाज़ है। अच्छा, एक बात और किया जाए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन भी है और उसके अलावा महाविकास आघाड़ी, जो कुछ हुआ बीते समय में वो तो एक अलग चर्चा है, लेकिन मैदान में तो ये भी है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखो, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन का आपको रिकॉर्ड स्ट्राइक बताता हूँ। पिछले टाइम अकबरुद्दीन अवैसी आए थे, कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 हज़ार का मजमा रहा होगा, पूरे मुंबई के लोग सुनने आए थे और भरा था खजाना, लेकिन वोट उनको मिला सिर्फ 5 हज़ार वोट। तो उनको सुनने के लिए, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में एक राज ठाकरे हैं जिसको सुनने के लिए पूरा महाराष्ट्र मराठी लोग आ जाते हैं, लेकिन वोट पता चलता उनका एक भी सीट नहीं आया है। उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन भी यहाँ पे वही काम कर रही है। रही बात अबू आशिम आजमी साहब के साथ, यहाँ पे बच्चा एक हर व्यक्ति पान टपरी से लेकर के, आप अबू आशिम आजमी को अगर कोई कंप्लेंट देना है, कोई शिकायत करना है, तो मेरे हिसाब से एक पान टपरी वालों के पास भी उनका नंबर होता है, वो डायरेक्ट फ़ोन करके आशिम भाई से टच में रहते हैं।
तो यहाँ पे अबू हाशिम से डायरेक्ट कोई भी बात कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे बात हो गई कि योगी आदित्यनाथ भी आ गए तो यूपी की राजनीति से भी टच किया गया। एक सवाल लूंगा, जो बटेंगे तो कटेंगे ये बात वहाँ पर कही गई थी, और दूसरी बात इंडिया गठबंधन के भी तमाम बैनर्स लगे जिसमें समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ से तमाम बैनर्स लगे, उसमें लगा न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, इस तरीके की बातें हुई। तो क्या कुछ लग रहा है, क्या इंडिया गठबंधन यहाँ पे मजबूत है या भाजपा मजबूत है, क्या माहौल क्या दिखता है? मैनेजर बोलो आप, मैनेजर जी क्या लगता है ये सवाल आपसे? सुनिए मैं आपको बताता चलूं, ये जो महागठबंधन है, ये सारे पार्टी जितनी महागठबंधन बनाई गई है, ये सब एक दूसरे की पार्टी से भगोड़े लोग हैं। भगोड़े, इस बात को सुन लीजिए, भगोड़े। शिंदे शिवसेना को तोड़ के आया, अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी को तोड़ के आया, और क्या नाम है ये नवाब मलिक अजीत दादा के पवार की पार्टी से आया, बुलंद पाटिल शिंदे गुट से आया। तो यहाँ पर एक गठबंधन के दो कैंडिडेट हैं, एक गठबंधन के दो कैंडिडेट हैं, एक अजीत दादा पवार की पार्टी से नवाब मलिक और शिंदे गुट से जो है बुलंद पाटिल। तो ऐसा कभी जहाँ यूपी होती है वहाँ से मतलब आपस में राय मशवरा करके एक आदमी को खड़ा किया जाता है। यहाँ अबू हाशिम आजमी साहब को हराने के लिए दो दो कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन अबू हाशिम आजमी का कुछ भी नहीं होगा। ये भगोड़ों के आने से ये भगोड़े भागेंगे, अबू हाशिम आजमी नहीं भागेंगे, क्योंकि अबू हाशिम आजमी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से लेकर के मंडाला तक आप जाके देख सकते हो, यहाँ पर 20 रुपये में पानी का गैलन बिकता था, 20 रुपये में लोग पानी खरीदते थे एक गैलन, लेकिन आज घर घर में पानी की बहार है, पानी की बौछार है। जिस तरह से बारिश होती है उस तरह से यहाँ पर हर आदमी के घर में पानी है। तो इस तरीके से अबू हाशिम का काम बोलता है, नाम बोलता है। अच्छा एक सवाल और लेंगे, महाविकास आघाड़ी भी है और उसको समर्थन कर रहे हैं अभी आपके जो नेता का नाम ले रहा है, तो क्या लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी का जो माहौल पे जो बात हो रही है, क्या वही माहौल है या कुछ डिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं नहीं, कोई डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये घर से भागे हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए। नवाब मलिक जो है काफ़ी मजबूर है बेचारे, कि अगर मैं ये इलेक्शन अबू हाशिम आजमी के साथ मैं नहीं लड़ता हूँ तो वो अंदर चले जाएंगे। ये इलेक्शन लड़ना इनकी मजबूरी है, इनके ऊपर दबाव डाल के यहाँ पर इलेक्शन लड़ाया जा रहा है अबू हाशिम आजमी साहब के खिलाफ, और जो नवाब मलिक है वो अबू हाशिम की पैदाइश है। समझे नहीं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, बड़ी चर्चा हो जाएगी। एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, कि ये समाजवादी पार्टी से पहले विधायक बने, फिर वो मिनिस्टर बने। अबू हाशिम आजमी साहब की मेहरबानी देखिए कि बशीर मूसा पटेल को मिनिस्टर ना बनाते हुए यूपी का पक्षपात किया, और यूपी वाले को क्या नाम है उन्होंने मिनिस्टर बना दिया, इससे हमारी मेमन लाभी टूट गई। तो जिसके साथ अबू हाशिम की जो पैदाइश होती है तो वो वही उनको काटने दौड़ता है, घर का बेदी जो है लंका ढाता है। तो बड़ी राजनीति चल रही महाराष्ट्र में, क्या चल रहा, बड़ा घमासान, मुस्कुरा बहुत रहे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम, अभी जो हाशिम भाई जो हैं वो यहाँ के मजबूत कैंडिडेट हैं, वो उनके आगे कोई चलने वाला नहीं है। कितना भी पार्टियाँ आ जाएं और भी 10 पार्टियाँ आ जाएं तो भी उनके आगे कोई चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ के बच्चे बच्चे के रग रग में हाशिम भाई का खून दौड़ रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र की राजनीति में भी थोड़ा चर्चा करते, बड़ी खिचड़ी पकी रहती है यहाँ पर, और पूरे देश भर में महाराष्ट्र की राजनीति किसी को समझ में नहीं आती। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, आप लोग के दिमाग में क्या चलता है यहाँ की राजनीति को लेकर? यहाँ के लोग खाली हाशिम भाई का विकास देखते हैं। उन्होंने जब से गोयंडी में कदम रखा तब से गोयंडी सोने की चिड़िया हो गई। बाकी जितने इससे पहले जो भी आता था, यहाँ पानी का दिक्कत रहता था, लाइट का दिक्कत रहता था, हर चीज़ का दिक्कत रहता था, और जो भी चीज़ जो अफवाह फैला रहे हैं, यहाँ हर चीज़ की कमी हुई है। मतलब जो करप्शन है उसकी कमी हुई है, उससे पहले आम जो भी रहता था मारता था पीटता था, आज हाशिम भाई की वजह से पुलिस प्रशासन भी टाइट है, हर चीज़ टाइट है, और जितने भी बीएमसी के जो भी कार्यकर्ता हर दिन आते हैं झाड़ू लगाने, हर चीज़ हाशिम भाई की ये देन है कि यहाँ आज जो खड़े हो ये उन्हीं की देन है, और हर जगह जो है चमक रहा पूरा गोयंडी, इसलिए हाशिम भाई के टक्कर में कोई आने वाला नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर लालू प्रसाद बीजेपी को गाली दे, ज़रा ध्यान से सुनना, बीजेपी को गाली दे तो जेल में चले जाते हैं,
आजम खान अगर कुछ कहते हैं तो वो जेल में चले जाते हैं, दिगर नेता अगर कुछ कहते हैं तो जेल में चले जाते हैं, असद भाई और अकबर भाई में क्या ऐसा है कि वो गालियाँ देते हैं तो उनको कुछ नहीं होता है और उनको और बढ़ावा दे के बोले और मुझे गाली दो, ये क्या राज है? तो आप IMIM को टारगेट कर रहे हो, तो आप लोग की पार्टी है? हमारी पार्टी नहीं है। आप ये बताइए कि जितने नेता बीजेपी के खिलाफ कुछ भी उफ करते हैं तो उनको मतलब जेल में डाल दिया जाता है, और असद भाई और अकबर भाई को क्यों नहीं कार्रवाई करते? ये बीजेपी कह रहे हैं मतलब बहनोई लोग हैं क्या जी? इनके बहनोई लोग हैं क्या ये बीजेपी के? बड़ी बात कह रहे, बहुत वायरल होंगे। हाँ वायरल हो जान लो, ये इनको क्यों नहीं कुछ कोई सजा मिलती? आपके साथी को बड़ी टीस है। अरे भाई, सब लोग जानते हैं कि मुंबई के अंदर कोई जातिवाद राजनीति नहीं चल सकती है। यहाँ पे महाराष्ट्र में आज आपको बता देता हूँ कि जो भाई साहब ने बोला है बहुत ही परफेक्ट बोला है, इसीलिए हम लोगों को हंसी भी आ रही है कि महाराष्ट्र के चुनाव में देखिए यहाँ पे लोग राजनीतिक नहीं है, यहाँ पे लोग दिल से जुड़ते हैं, किसी का भी सपोर्ट करेंगे तो, क्योंकि कोई किसी का घर वर चलाता नहीं है, कोई नेता होता का यहाँ वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ ये देखते हैं कि लोग किसके साथ जुड़े हैं, कौन काम कर रहा है, कौन हमारे मुद्दों को उठाता है। जिस तरह से आप देख सकते हो कि मुसलमानों का, ये आबादी जो है गोंडी मानपुर शिवाजी नगर, ये मुसलमान की आबादी है वाला क्षेत्र है, अब यहाँ पे लोगों की नज़र है, और अभी तरावी तो इन लोगों ने बर्बाद कर ही दिया है, अडानी को दे ही दिया है, अब दूसरा जो पड़पट्टी बचा है गोंडी शिवाजी नगर, अब इधर पे उनका नज़र है, तो अब उन लोग जाहिर सी बात है यहाँ पे घमासान कर ही रहे हैं कि अगला 5 साल जो रहेगा अब गोंडी शिवाजी नगर की बारी है, इनको उजाड़ो, मतलब कहीं ना कहीं मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये उजाड़ देने की पूरी साजिश कर रहे। और एक विधायक जो हमारे अबू हाशिम आजमी साहब, वो मुसलमानों के लिए लड़ के आज इनको हमारे सड़क का समस्या ले लो, यहाँ पे स्कूल की समस्या ले लो, यहाँ पे पानी की समस्या ले लो, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे थे, कब्रिस्तान का इशू, जिसको अगर किसी ने सही तरीके से उठाया विधानसभा में तो वो जनाब अबू हाशिम आजमी ने उठाया है, और हमारे हर एक मुद्दे को डेली ले करके बात करने वाले अबू हाशिम आजमी है, जो कि एक उद्योगपति है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है पॉलिटिक्स की, लेकिन वो पॉलिटिक्स में इसलिए कि वो खिदमत करना चाहते। हाँ वो एक अच्छे आदमी है, मैं मानता हूँ कुछ नगर सेवक जो कॉरपोरेटर्स होते वो लोग जुड़े नहीं रहते लोकल लोगों से, नाराज़गी होएगी। एक नशे का जो मुद्दा है आज उठाया जा रहा है, उस नशे के मुद्दे को आंदोलन कर रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आंदोलन पे सबसे पहले बैठा था, और उस मुद्दे को लेकर के दो व्यक्ति को मेरे साथ जो आंदोलन, एक आसमा से एक MIM से टिकट ले लिए कुरला से लड़ रही है, और दूसरा जो अतीक सर है वो MIM से टिकट ले लिए, वो चुनाव लड़ रहे, और आंदोलन करने वाला मैं हूँ वहाँ पे, सबसे पहले रफीक नगर में मर्डर केस में आंदोलन करके बैठने वाला मैं हूँ, और दो जन टिकट आंदोलन आपने किया, मलाई दूसरे काट गए 100% इसके, क्योंकि वो लोग पॉलिटिक्स करना चाहते, मुझे पॉलिटिक्स करना नहीं था, क्योंकि जनाब अबू हाशिम आजमी एक ऐसे व्यक्ति है कि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बस मुझे ये करना था कि पुलिस प्रशासन जो है उनका ध्यान आकर्षित हो और इस पर एक्शन कार्रवाई होना चाहिए, बस इसीलिए हमने आंदोलन। आप क्या कह रहे थे महाराष्ट्र की राजनीति पे क्या दिमाग में चलता है, और यहाँ पर जो गतिविधियाँ उसको लेकर क्या चल रहा है? गवंडी के बारे में पूछ, गवंडी के बारे में बताइए क्या चल रहा है, गवंडी के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? यहाँ पे जो प्रत्याशी उतार दिए गए और बड़ा घमासान यहाँ पर ही मचाया गया, जो 3 बार से यहाँ पे जो झंडा बुलंद है आप लोग का, उस झंडे को उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी है, क्या सोच रहे हैं इस बार जो घमासान चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो वीर शिवाजी की धरती है, और यहाँ पर भी अगर योगी जी आते हैं तो एक बड़े सवाल खड़े कर देते हैं आप लोग, अब क्या सोच रहे हैं? हमारी सोच कुछ नहीं है, हमारी सोच बस यही है, आज हमको 38 ईयर्स हो गया है कहाँ गोवंडी में, हम जब से यहाँ रह रहे हैं, उस टाइम पे यहाँ पे सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, स्कूल नहीं थी, यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं थी, यहाँ तक कि अगर आप कहीं यहाँ बाहर से गवंडी के लिए रिक्शा पकड़ के आना चाहेंगे तो कोई गवंडी में आने को राज़ी नहीं था। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को ऐसा कायदे मिला जिसने आज गवंडी को इतना अच्छा मतलब डेवलप, हर चीज़ स्कूल की सुविधा ले लो आप, पानी ले लो, सड़कें ले लो, और भी चीज़ें बहुत सी चीज़ें, आप 15 साल पीछे का रिकॉर्ड निकालेंगे ना आप तो आपको खुद समझ में आ जाएगा पहले और अब में फ़र्क क्या है। और जो अभी जो मसला चल रहा है नवाब मलिक साहब का, जैसे कि बीजेपी और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे अभी एक गुस्सा के रसूल की बात बता रहा हूँ आपको, रामगिरी महाराज के बारे में बताया आपको,
और ये सब इलेक्शन से पहले क्यों होता है? राणे साहब आए, हमारे नबी के खिलाफ बोले, राणे साहब ने क्या कहा, मस्जिदों में घुस के मारेंगे, ये इलेक्शन से पहले क्यों हुआ ये बात? और उसके बाद नवाब मलिक साहब वही पार्टी में आके हमारे सामने लड़ने के लिए आ रहे, आज अजीत दादा पवार साहब आए, उन्होंने मुसलमानों को सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, मतलब ये राजनीति हो क्या रही है? आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, काटो और बांटो ये है, काटो और बांटो ये होता है कि एक तरफ मुसलमानों के भड़काया जाता है, दूसरी तरफ आके अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये क्या मसला है आपका? तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर लगातार हमारी बात हो रही है अलग अलग मुद्दे पर, और यहाँ पर आपने एक तरीके से पूरे महाराष्ट्र भर की राजनीति समझ ली कि क्या चल रही है। आम तौर पर यहाँ पर जो राजनीति चलती है, लोग कहते हैं कि कोई गुट छोड़ करके किसी गुट में आ गया, एक नया गुट बना लिया, तो उन सभी को लेकर के यहाँ की आम जनता क्या कुछ सोच रही है उसको आपने सुना, और दूसरी तरफ एक तरीके से महाविकास अघाड़ी कह लें या फिर इंडिया गठबंधन कह लें जो बना हुआ है, उसके समर्थन में लोग हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जिस तरीके से आपने देखा हरियाणा का माहौल रहा आखिरी तक के कांग्रेस के फेवर में, आखिरी में भाजपा की सरकार बन गई वो, और उसके बाद आपने उत्तर प्रदेश का भी चुनाव देखा, आपने लोकसभा का भी चुनाव देखा, तो ये सभी चुनाव के बाद मुंबई का जो महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो भी काफ़ी अहम है। क्या इंडिया गठबंधन के फेवर में जा रहा है, क्या भाजपा गठबंधन के फेवर में जा रहा है, क्या कुछ होगा, ये सभी अपडेट्स आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।